Hello students, here in this lecture we will discuss about the questions related to rank in echelon form. तो जैसे कि इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने बात किया था rank of matrix and echelon form का definition and properties of rank of matrices, right? तो in this lecture we will discuss about the questions related to the rank in echelon form. I hope कि आपको rank of matrix समझ में आ गया होगा. कुछ तो अगर थोड़ा भी समझोगे तो कोई problem नहीं है, और जो मैं question solve करूंगा then आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में रैंक इन इक्विलन फॉर्म होता क्या है एंड उसका रैंक कैसे फाइंड करते हैं, जो कि मैं आज के लेक्चर में आपसे बात करूंगा. तो सबसे पहले देखिए रैंक इन इक्विलन फॉर्म. जैसे कि इक्विलन फॉर्म के बारे में आपको पता है कि इक्विलन फॉर्म क्या होता है, इक्विलन फॉर्म को हम लोग कैसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखते हैं. तो कैसे लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द जीरो, मतलब कि जैसे जैसे मैट्रिक्स के नीचे जाएंगे वैसे वैसे जीरो इंक्रीज होना चाहिए, राइट. ये क्या होता है इक्विलन फॉर्म का, जो कि हम लोग डोनेट करते हैं, राइट. जैसे कि इसके पहले लेक्चर में हम लोग ने बात किया था, आई होप कि आपको वो लेक्चर समझ में आ गया होगा. अगर आपने नहीं देखा होगा वो लेक्चर तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए, देन आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में इक्विलन फॉर्म होता क्या है. नाउ यहाँ पर हम लोग बात करेंगे रैंक इन इक्विलन फॉर्म. तो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि उसका रैंक क्या होता है. जैसे कि रैंक का डेफिनेशन हम लोग ने पहले लेक्चर में भी बात किया था, बट यहाँ पर जो वो लेक्चर था वो माइनर्स के बारे में आपको कुछ बता रहा था कि अगर किसी रैंक का मैट्रिक्स का फाइंड करना है तो माइनर्स उसका सबसे पहले माइनर फाइंड करते हैं, और वो माइनर वो भी नंबर ऑफ जीरोस के हिसाब से चलेगा, जैसे कि इसके पहले लेक्चर में हम लोग बात किया था. यहाँ पर क्या होता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, जो कि जो आगे जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहाँ पर वहां पर इस डेफिनेशन का यूज होगा. अब ये सिंपल डेफिनेशन है जो कि आपको याद रखना है कि ये डेफिनेशन क्या है. देखिए यहाँ पर सबसे पहले द रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन इक्विलन फॉर्म इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कंटेनिंग इन नंबर ऑफ रोस. डेफिनेशन क्या बता रहा है, देखिए रैंक ऑफ मैट्रिक्स, अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको रैंक फाइंड करना है तो इन इक्विलन फॉर्म, वो फॉर्म इक्विलन फॉर्म में होना चाहिए. ये पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इक्विलन फॉर्म से रिलेटेड, देयरफॉर यहाँ पर लिखा गया इक्विलन फॉर्म. अगर आपको इक्विलन फॉर्म में अगर क्वेश्चन अगर नहीं भी पूछा गया, अगर आगे जो कि हम लोग बात करेंगे नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स और कैनोनिकल फॉर्म, तो वहां पर आपको इक्विलन फॉर्म नहीं भी मिलता है बट आपको क्या फाइंड करना है, रैंक फाइंड करना है. तो उस केस में भी आपको रैंक इसी के हिसाब से आपको मिलेगा, इस डेफिनेशन के हिसाब से ही आपको रैंक मिल जाएगा. कैसे मिलेगा रैंक को पता करने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, सबसे पहले देखना है कि रैंक में नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कितना है, मतलब कि उस रोस में, मतलब कि जितने भी रो आपको गिवेन है, 3x3 मैट्रिक्स में आपको कितना रो गिवेन रहता है, 3 रो, ऑब्वियसली 3 रोस रहेगा. तो उसमें देखना है आपकी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस कितना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोस, मतलब हर एक रोज में देखना है कि आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कितना है. तो यहाँ पर यही डेफिनेशन आपको ये बता रहा है कि रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स इन इक्विलन फॉर्म इज द नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कंटेनिंग इन नंबर ऑफ रोज, मतलब कि हर एक रोज में आपको देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कितना है. जितना नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा उतना आपका क्या रहेगा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. अगर जीरो, अगर रोज में अगर आपको जीरो पूरा रोज में जीरो गिवेन है, होल जीरो रहेगा, तो क्या होता है, रैंक नहीं होता है. रैंक किसे बोलते हैं कि देखना है कि हर एक रोज में कितना नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट है. जितना नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा उतना ही आपका क्या रहेगा, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स. आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. डेफिनेशन में खाली आपको समझने की ये बात है कि आपको देखना है रैंक ऑफ मैट्रिक्स इन इक्विलन फॉर्म इज नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कंटेनिंग इन द नंबर ऑफ रोज, मतलब कि हर एक नंबर ऑफ रोज में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये आपको देखना है. ये हो गया डेफिनेशन. डेफिनेशन क्या होता है, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा. डेफिनेशन बहुत सिंपल है कि जैसे ही आपको रैंक पता करना है तो रैंक को सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका सबसे पहले रो, कोई भी मैट्रिक्स अगर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन सबसे पहले निकालना है, राइट. रो ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के बाद आपको देखना है कि उस रो ट्रांसफॉर्मेशन निकालने के बाद आपको नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कितना है. जितना नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा उतना क्या होगा, आपका रैंक होगा. मतलब उस रोज में देखना है रो में आपका कितना नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट है, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा उतना आपका रैंक होगा, राइट. अब नाउ हम लोग एग्जांपल लेते हैं रैंक से रिलेटेड, देन आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में रैंक को हम लोग कैसे पहचानते हैं. सबसे पहले रैंक का डेफिनेशन हो गया. अब नाउ इट इज डोनेटेड बाय, कभी कभी आपको पता होना चाहिए कि इसको डोनेट कैसे करते हैं. इट इज डोनेटेड बाय रो, रो के द्वारा डोनेट करते हैं. अगर कोई मैट्रिक्स आपको गिवेन है तो उस मैट्रिक्स का अगर कोई मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट ए गिवन है तो उससे डोनेट किस फॉर्म में करेंगे, रो ऑफ ए. तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि आपको पता होना चाहिए
कि मैट्रिक्स का रैंक को कभी भी डोनेट किस फॉर्म में करेंगे, रो रो ऑफ ए, अगर कोई मैट्रिक्स एम गिवन है तो रो ऑफ एम हो जाएगा। तो दिस इज अ डेफिनेशन एंड दिस इज अ डोनेटेड बाय रो ऑफ ए, ए क्या आपका कोई मैट्रिक्स रहेगा। अब ना देखते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल, जैसे कि आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में रैंक हम लोग पहचानेंगे कैसे। आई होप कि आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा। अब ना देखिए कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर लेता हूं मैं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा कि रैंक हम लोग कैसे पहचानेंगे। अगर कोई आपको मैट्रिक्स गिवन है, लेट से ए, ए आपका कोई मैट्रिक्स गिवन है, दैट इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, लेट से 3x3 मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं, देन बाद में 4x4 लेंगे। तो अब यहां पर आपको बताना है कि इसका रैंक कितना रहेगा। तो इसका रैंक यहां पर सबसे पहले क्या करना है, आपको देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो रो कितना है। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, तो यहाँ पर तो एक भी जीरो आपको दिख नहीं रहा, और कुछ नहीं दिख रहा, मतलब यहाँ पर जो रो ऑफ ए रहेगा दैट इज रैंक ऑफ ए, रैंक ऑफ ए, अदरवाइज चाहे आप तो लिखिए आर ऑफ ए, आप चाहे तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, एंड दिस इज रैंक ऑफ ए इज नथिंग बट 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए हर एक रोज में जीरो नहीं है, मतलब जीरो नहीं है मतलब क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है। तो जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट रहेंगे रोज में उतने कितना रहेगा, रैंक भी रहेगा। तो नंबर ऑफ रोज कितना है, 1, 2, 3, राइट। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट देखना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कोई भी जीरो नहीं है मतलब कि सब नॉन जीरो है, मतलब यहाँ पर रैंक ऑफ 3 कितना हो जाएगा, 3, राइट। अब ना सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या पूछा गया, लेट से कि अगर आपको कोई मैट्रिक्स ए गिवेन है, ए मैट्रिक्स आपको गिवेन है, एंड लेट से दिस इज द 1, 2, 4, 3, 0, 0, 0, 0, 0। अब यहां पर बताना है कि आपको रैंक कितना है, इस मैट्रिक्स का आपको रैंक बताना है। रैंक को सबसे पहले डोनेट किस फॉर्म में करते हैं, रो के द्वारा, रो ऑफ ए और आर ऑफ ए, इसके द्वारा आपको डोनेट करना है। अब यहां पर देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कितना है। नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट क्या है वो पहचानेंगे, तो सबसे पहले मैट्रिक्स का रोज देखना है, रोज कितना है, 3 रोज है, 1, 2, 3, राइट, 3 रोज है। तो 3 रोज में आपको देखना है नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, यहां पर देखिए 3rd रोज में आपको पूरा एलिमेंट क्या है, 0 है, तो इसे आपको हटा देना है, देखना है नॉन जीरो। नॉन जीरो क्या है, 1, 2, 4, 1st रो में 1, 2, 4 है, मतलब ये नॉन जीरो एलिमेंट है। 2nd रो में क्या है, 3, 0, 0, मतलब अगर यहां पर 0 रहा होता तो ये क्या होता था, 0 एलिमेंट, बट यहां पर 3 है मतलब ये क्या हो गया, नॉन जीरो एलिमेंट। मतलब कि नॉन जीरो एलिमेंट कितना है, 1st रो, एंड 2nd रो क्या होता है आपका, नॉन जीरो एलिमेंट, एंड 3rd रो क्या होगा आपका, 0 एलिमेंट। तो ये क्या मिल जाएगा आपका, 2 रोज नॉन जीरो है, देयरफॉर रैंक कितना हो जाएगा आपका, 2, दिस इज द रैंक 2। तो रैंक पहचानने का ये हो गया इजी मैटर। अब नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं 4x4 मैट्रिक्स का, देन आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में रैंक कैसे पहचानेंगे। तो रैंक पहचाने का बहुत इजी तरीका है, आपको सिर्फ देखना क्या है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कितना है, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट रहेंगे उतने ही क्या होगा आपका, रैंक होगा। लेट से एग्जाम्पल यहाँ पर 4x4, दैट इज 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 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
ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कितने हैं। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो मतलब अगर आपको एक रोज में अगर एक भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रहा तो मतलब वो क्या होगा एलिमेंट, वो रोज क्या रहेगा नॉन जीरो एलिमेंट। और यहाँ पर अगर जीरो रहा होता तो ये जीरो होता था, बट यहाँ पर एक भी अगर आपको कोई नंबर दिख गया तो आपको क्या लेना है उसको नॉन जीरो लेना है। तो देयरफॉर यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज अ नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो, दिस इज नॉन जीरो एंड दिस इज अ जीरो। मतलब सिर्फ फोर्थ जो कि रोज है आपको जीरो एलिमेंट दे रहा है एंड वन टू एंड थ्री रोज जो है आपका क्या है नॉन जीरो एलिमेंट है। तब जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट रहेंगे उतना ही क्या रहेगा आपका रैंक होगा। तो रैंक ऑफ ए रो ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस 4x4 मैट्रिक्स में रैंक कितना हो जाएगा इसका 3। 3 क्यों, क्योंकि 3 नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, कुछ एग्जांपल यहाँ पर लिया जिससे कि आपको समझ में आया। डेफिनेशन में क्या है, डेफिनेशन में रैंक का डेफिनेशन आपको सिर्फ यही याद रखना है कि रैंक क्या होता है नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इन दिस रो। मतलब कि हर एक रोज में आपको देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कितना है, जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट रहेंगे उतने ही क्या होगा रैंक होगा। इस केस में अगर यहाँ पर आप रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे अगर सॉल्व करते थे तो अगर आपको जो मिलता था उतना क्या होता था रैंक होता था। बट अगर एग्जाम्पल के केस में देखा जाए तो यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना है 3 है, देयरफॉर रैंक 3। यहाँ पर देखिए थर्ड रोज में 0 है और फर्स्ट सेकेंड में क्या है नॉन जीरो, देयरफॉर रैंक कितना हो गया 2। यहाँ पर देखिए 4x4 मैट्रिक्स में, 4x4 मैट्रिक्स में आपको क्या दिख रहा है
कि यहाँ पर फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो नॉन जीरो है क्योंकि यहाँ पर वन 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 है और फोर्थ रो ओनली जीरो है, देयरफॉर रैंक कितना है 3। रैंक का डेफिनेशन नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कंटेनिंग द नंबर ऑफ रोज, मतलब हर एक रोज में जितने नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट रहेंगे उतना आपका क्या रहेगा रैंक रहेगा, राइट। और इट इज डोनेटेड बाय रो ऑफ ए और आर ऑफ ए, आर दैट इज रैंक एंड रो रो ऑफ ए, आप चाहे तो इससे डोनेट कीजिए अदरवाइज आर ऑफ ए से डोनेट कीजिए। एक है आपका मैट्रिक्स का डोनेशन, अगर यहाँ पर यम रहा होता यहाँ पर आर ऑफ यम हो जाता था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब नाउ बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन रिलेटेड टू रैंक इन इक्लियन फॉर्म। अगर कोई क्वेश्चन में आपको पूछा गया रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन इक्लियन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक, तो सबसे पहले क्या करना है उस मैट्रिक्स को आपको इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्लियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो भी आपको नॉन जीरो एलिमेंट दिखेगा उससे आपको रैंक फाइंड करना है। तो देखिए यहां पर कैसे फाइंड करेंगे रैंक ऑफ इक्लियन फॉर्म। अब नाउ देखते हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्लियन फॉर्म, बट एक बात आपको एक और भी याद रखना है दैट इज इन इक्लियन फॉर्म, अगर किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको इक्लियन फॉर्म से फाइंड करना है रैंक, अगर किसी मैट्रिक्स का क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन इक्लियन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक, तो हमेशा याद रखना है एक बात कि जब भी इक्लियन फॉर्म आपको फाइंड करना है तो उस केस में आपको क्या करना है ओनली यूज करना है ओनली यूज टू सॉल्व बाय रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन नहीं यूज करना है, ये बात आपको याद रखना पड़ेगा। इन दिस केस फॉर फाइंडिंग द इक्विलन फॉर्म, अगर आपको इक्विलन फॉर्म फाइंड करना है उसका रैंक फाइंड करना है बाय यूजिंग द इक्विलन फॉर्म, तो ओनली यूज इन दिस केस रो ट्रांसफॉर्मेशन, आप यहां पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं कर सकते हो। इन इक्विलन फॉर्म आपको ओनली यूज करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात आपको याद रखना है। जब भी कोई मैट्रिक्स आपको इक्विलन फॉर्म में गिवेन है और आपको फाइंड करना है रैंक, देन आपको यूज सिर्फ क्या करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन। यहां पर आप चाहे तो इसे नोट करके लिख लीजिए, नोट करके आप लिख लीजिए कि यहां पर इन इक्विलन फॉर्म में आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ सी क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्विलन फॉर्म, देन आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर वन आपको बोला गया है रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन इक्विलन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर वन में बोला गया रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन इक्विलन फॉर्म, इन इक्विलन फॉर्म से रिड्यूस करने के बाद आपको क्या करना है उसका रैंक फाइंड करना है, उसका रैंक आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर वन में वन जो कि आपको बोला गया 1 3 4 3 3 9 12 9 1 3 4 0, दैट इज ये आपको मैट्रिक्स गिवेन है, दिस इज द सेकेंड मैट्रिक्स एंड दिस इज द थर्ड मैट्रिक्स, तीनों को आपको क्या करना है इक्विलन फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड इसका रैंक फाइंड करना है। तो रैंक फाइंड करने के लिए बाय यूजिंग इक्विलन फॉर्म, तो आपको क्या याद रखना है कि इक्विलन फॉर्म का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो वहां पर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन ही यूज करना है, यहां पर कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करना है। जैसे कि नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म जब भी हम लोग आगे लेक्चर में बात करेंगे तो वहां पर आपको रो ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन भी यूज करना है, बट यहां पर जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में बात करूंगा, बट यहां पर इक्विलन फॉर्म फाइंड करते समय आपको ओनली क्या यूज करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन, यहां पर आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज नहीं करना है, ये याद रखना। अब नाउ लेट्स से दिस इज द कोई मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स को आपको इक्विलन फॉर्म में सबसे पहले क्या करना है रिड्यूस करना है। जैसे ही आपको इक्विलन फॉर्म में रिड्यूस मिल जाएगा तो आपको रैंक फाइंड करने के लिए इजी है। रैंक कैसे मिल जाएगा आपको डायरेक्ट देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना है। तो सबसे पहले जो मैट्रिक्स गिवन है आपको उसे मैट्रिक्स ए के फॉर्म में लिखना है, लेट्स से दिस इज द मैट्रिक्स ए इज द 1 3 4 3 3 9 12 9 1 3 एंड 4 0, राइट। दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, सबसे पहले आपको अज्यूम करना लेट से दिस इज द मैट्रिक्स ए। अब इस मैट्रिक्स को आपको इक्विलन फॉर्म में रिड्यूस करना है, तो कैसे करना है इक्विलन फॉर्म में रिड्यूस कैसे करोगे, तो सबसे पहले आपको यहां पर देखना है इस मैट्रिक्स में आपको जीरो मैक्सिमम जीरो आपको बनाना है बाय यूजिंग द रो ट्रांसफॉर्मेशन, ओनली यूज करना है रो ट्रांसफॉर्मेशन, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने से जीरो बनाना है बाय यूजिंग फर्स्ट रो, फर्स्ट रो का यूज करके आपको इन दोनों रो को आपको क्या करना है जीरो बनाना है। तो कैसे बनाओगे, सबसे पहले देखिए सेकेंड रो में 3 है फर्स्ट रो में 1 है, राइट। तो आप क्या कर सकते हो इसका यूज कर सकते हो, कैसे यूज करोगे आर वन को अगर आर टू को इंटरचेंज करना है आर वन से, तो कैसे यूज कर सकते हो इसका, दैट इज आर टू इंटरचेंज कीजिए, आर टू को इंटरचेंज करना है आर टू, जैसे कि ये जीरो हो जाए, जीरो कब होगा 3 को यहां पर जीरो लिखना है, तो कैसे लिखोगे आर टू में से क्या करोगे कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि ये जीरो हो जाएगा, दैट इज यहां पर 3 है तो यहां पर भी 3 रहेगा, तो आर टू दैट इज 3 माइनस टाइम्स कितना 3 आर वन,
माइनस टाइम्स थ्री टाइम्स आर वन। क्या किया यहाँ पर देखिए, सेकेंड रो में से क्या किया, फर्स्ट रो को थ्री से मल्टीप्लाई किया एंड उससे माइनस किया, तो क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर जीरो मिल जाएगा। सेम आपको क्या करना है, फोर्थ रो, थर्ड रो, थर्ड रो में क्या है, वन है, फर्स्ट रो का यूज करना है, तो थर्ड रो को इंटरचेंज करना है, तो आपको थर्ड रो लिखना है, इसको क्या करना है, इंटरचेंज करना है, तो आर थ्री में से क्या करना है, आर थ्री माइनस, क्योंकि ये माइनस क्यों लिया यहाँ पर, क्योंकि वन माइनस वन क्या होगा, जीरो होगा, देयरफॉर आर थ्री माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, आर वन, देयरफॉर आर थ्री माइनस आर वन दैट इज जीरो मिलेगा। सबसे पहला काम क्या करना है आपको, जो भी सेकेंड रो एंड थर्ड रो है वहां पर सबसे पहले जीरो लेना बाय यूजिंग दिस रोस ऑफ एलिमेंट। फर्स्ट रो ऑफ फर्स्ट एलिमेंट का यूज करके आपको सेकेंड रो के फर्स्ट एलिमेंट एंड थर्ड रो के फर्स्ट एलिमेंट को जीरो बनाना है। आपको इसके बारे में याद नहीं रखना है, आपको इसको भूल जाना है, इसको सबसे पहले जीरो बनाना है। इसका काम अगर एक बार हो जाएगा देन आप आगे इसको भी जीरो अपने आप हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या दिखा, यहाँ पर आर थ्री को थ्री को जीरो करने के लिए क्या किया, आर टू माइनस थ्री आर वन, और फोर वन को जीरो करने के लिए आर आर थ्री इंटू आर थ्री माइनस आर वन। तो नाउ देखिए क्या बन जाएगा आपका मैट्रिक्स, दैट इज ए, जो मैट्रिक्स होगा वन थ्री, फर्स्ट रोज में तो आपने कुछ चेंज नहीं किया राइट, तो फर्स्ट रो आपका सेम रहेगा दैट इज वन थ्री फोर थ्री। सेकेंड रो, सेकेंड रो में क्या किया था, आर टू माइनस थ्री आर वन, तो सबसे क्या करना है, तो थ्री माइनस थ्री दैट इज दिस इज जीरो, नाइन माइनस थ्री थ्री जा नाइन दैट इज जीरो, ट्वेल्व ट्वेल्व यहाँ पर है राइट, माइनस टाइम्स थ्री आर वन, आर वन क्या आपका फोर है, तो थ्री इंटू फोर, तो क्या हो जाएगा, थ्री फोर जा ट्वेल्व दैट इज ट्वेल्व माइनस ट्वेल्व जीरो। आप चाहे तो इसे भी एक बार दिमाग लगा के कर सकते हो। नाउ नाइन आर टू माइनस थ्री आर वन, तो आर नाइन माइनस टाइम्स, देखिए यहाँ पर आर टू क्या है, नाइन है, माइनस थ्री टाइम्स आर वन, आर वन क्या है, थ्री है, तो थ्री इंटू थ्री दैट इज नाइन माइनस थ्री थ्री जा नाइन दैट इज जीरो। सिमिलरली यहाँ पर क्या हो जाएगा, वन माइनस वन, क्योंकि आर थ्री में से आर वन माइनस करना है दैट इज जीरो हो जाएगा, थ्री माइनस थ्री जीरो, फोर माइनस फोर जीरो एंड जीरो माइनस थ्री, यहाँ पर जीरो था यहाँ पर माइनस थ्री दैट इज क्या हो जाएगा, माइनस थ्री हो जाएगा। ये हो गया आपका मैट्रिक्स। अब नाउ इसके आगे और आप क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो, क्या कुछ सिंप्लीफाई अब आगे नहीं होगा, सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो क्या आप इसे बोल सकते हो दिस इज इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म में इसे बोल सकते हो क्या, नहीं इसे इक्वेशन फॉर्म में नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि इक्वेशन फॉर्म का डेफिनेशन आपको यह बताता है जैसे जैसे मैट्रिक्स के नीचे जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ जीरो क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो नंबर ऑफ जीरो देखिए यहाँ पर कितना है, फोर टाइम्स है, यहाँ पर क्या हो गया, थ्री टाइम्स दैट इज डिक्रीज हुआ, मतलब और आपको आगे इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करने के लिए मतलब कि इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, तो एडजस्ट क्या कर सकते हो आप यहाँ पर, एडजस्ट आपको क्या करना है, जो सेकेंड रो एंड थर्ड रो को आपको इंटरचेंज करना है, दैट इज आर वन थ्री को इंटरचेंज करना है, आर वन थ्री को इंटरचेंज किस फॉर्म में करना है, आर थ्री वन सी, तो आपको जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स मिलेगा वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा आपका, दैट इज यहां से जो ए मिलेगा, ए क्या मैट्रिक्स हो जाएगा आपको, दैट इज यहां पर दोनों को इंटरचेंज किया, फर्स्ट रो को तो आपने कुछ नहीं किया दैट इज वन थ्री फोर थ्री सेम रहेगा, बट सेकेंड थर्ड रो को आपको सेकेंड रो में लेकर जाना है, सेकेंड रो को थर्ड रो में, तो क्या हो जाएगा जीरो 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 माइनस थ्री एंड दिस इज द थर्ड रो क्या बन जाएगा जीरो जीरो। क्या किया यहाँ पर, एडजस्ट किया, एडजस्ट क्या किया, आर वन थ्री को इंटरचेंज किया आर थ्री वन से, तो आपको ये मिल जाएगा दैट इज एलिमेंट लाइक दिस वन थ्री फोर थ्री, ये वाला जीरो जीरो माइनस थ्री ऊपर चला जाएगा और ये हो जाए नीचे, तो ये क्या हो गया अब एक इक्वेशन फॉर्म, ये जो मैट्रिक्स है आपको क्या दिख रहा है, इक्वेशन फॉर्म कैसे दिख रहा है, यहां पर देखो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे, यहां से नीचे जाओगे तो यहां से आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं, मैं आपको समझाने के लिए यहां पर ऐसा बता रहा हूं कि नीचे जाते समय यहां पर तीन जीरो था तो यहां पर फोर जीरो, मतलब दिस मैट्रिक्स इज इक्वेशन फॉर्म, तो यहां पर आप चाहे तो लिख दीजिए दिस इज एन इक्वेशन फॉर्म, एन इक्वेशन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, देयरफॉर रैंक इसका बताना है। अब आपको पता है क्वेश्चन में आपको पूछा क्या गया है, सबसे पहले रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन इक्वेशन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक, इक्वेशन फॉर्म में आपने कन्वर्ट कर दिया, अब नाउ क्या करना है, इसको रैंक बताना है, तो रैंक कैसे पता चलेगा, तो रैंक बताने के लिए इजी है, देखना है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कितना है, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट देखिए यहाँ पर आपको नॉन जीरो एलिमेंट, ये पूरा नॉन जीरो है एंड दिस सेकेंड रो भी क्या आपका नॉन जीरो है, यहाँ पर माइनस थ्री मतलब कि नॉन जीरो, यहाँ पर पूरा जीरो है मतलब ये जीरो एलिमेंट हो गया, यहाँ पर तीन जीरो है बट यहाँ पर माइनस थ्री है, देयरफॉर ये क्या हो गया नॉन जीरो एलिमेंट,
मतलब फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो क्या आपका नॉन जीरो एलिमेंट है, थर्ड रो जीरो एलिमेंट है, तो आपको क्या लेना है नॉन जीरो एलिमेंट। देयर फोर जो आपको रैंक मिलेगा दैट इज रो ऑफ ए, रो ऑफ ए कितना मिल जाएगा दैट इज टू। टू क्यों मिलेगा, थ्री क्यों नहीं मिलेगा, थ्री इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर थर्ड रो में आपको ऑल एलिमेंट जीरो है, बट सेकेंड रो में आपको एक एलिमेंट माइनस थ्री होने के कारण सेकेंड रो क्या हो गया नॉन जीरो एलिमेंट। देयर फोर रो ऑफ ए इज इक्वल टू वन एंड टू, देयर फोर नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट इज टू, देयर फोर रैंक इज अ टू। तो दिस इज अ रैंक, रैंक ये हो गया आपका एंसर। आपको फाइंड करना था तो आप यहां पर लिख दीजिए देयर फोर द रैंक इज, देयर फोर द रैंक इज टू, रैंक क्या हो गया आपका टू हो गया। तो दिस इज अ क्वेश्चन नंबर नाउ सी क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में क्या बोला है, लेट ए, सबसे पहले क्या है क्वेश्चन नंबर टू में क्या पूछा था, रिड्यूस करना मैट्रिक्स को इक्विलेंट फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। जैसे क्वेश्चन नंबर वन में हम लोग सॉल्व किया था सेम यहाँ पर भी वैसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या करना है इक्विलेंट फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है। तो कैसे करेंगे, सोल्यूशन में सबसे पहले लेट ए इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स 1 0 2 1 0 4 -2 1 1 -1 4 0 -2 2 -8 एंड 0, राइट। इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है, इस मैट्रिक्स के थर्ड रो को जीरो करना है एंड फोर्थ रो को जीरो बनाना है। सेकेंड रो आपका जीरो है तो यहाँ पर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर लेट से देखिए यहाँ पर थर्ड रो को जीरो बनाना है, तो आर थ्री को इंटरचेंज करना है, दैट इज आर थ्री माइनस किससे आर वन से। अगर यहाँ पर अगर इससे यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये एलिमेंट जीरो हो जाएगा। तो आर थ्री माइनस आर वन, तो आर थ्री माइनस आर वन करोगे तो क्या हो जाएगा वन क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। सिमिलरली फोर्थ रो को आपको यहाँ पर माइनस टू को जीरो बनाना है। तो यहाँ पर देखना अगर आप ये फोर्थ रो को अगर आप फर्स्ट रो से अगर आप माइनस करोगे, लेट से कि अगर आपने आर फोर को इंटरचेंज किया आर फोर माइनस टू आर वन, तो ये तो एलिमेंट जीरो बन जाएगा। बट आपका जो आपको एक बात और भी याद रखना है, जब भी आप कोई भी रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हो तो आपको सबसे कंपेयर करना है, हर एक एलिमेंट के रोज को हर एक एलिमेंट के रोज से कंपेयर करना है। तो सबसे पहले देखिए अगर आप इससे माइनस करोगे तो आपको तो एक तो जीरो मिल जाएगा, राइट, एक जीरो मिल जाएगा, बट ये तीनों एलिमेंट जीरो नहीं मिलेगा। बट अगर आप वही आर फोर को फोर्थ रो को अगर आपने थर्ड रो से माइनस किया तो आपको ऑल एलिमेंट जीरो मिलेगा। कैसे मिलेगा देखिए, अगर आपने आर फोर को माइनस किया टू टाइम्स आर वन से, आर फोर को माइनस आर फोर को प्लस किया टू टाइम्स आर वन से, तो क्या हो जाएगा माइनस टू प्लस टू जीरो, टू माइनस टू जीरो, माइनस एट प्लस एट टू इंटू फोर प्लस एट जीरो, जीरो माइनस जीरो। तो आपको ये भी बात याद रखना है, जब भी आप कम देखते हो तो आपको पूरा देखना है कि हर एक रोज को आपको कंपेयर करना है। आप डायरेक्ट ये मत कीजिएगा कि आर फोर को इंटरचेंज कीजिए आर फोर माइनस आर वन से, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं कि आपको पता रहता है कि आपको फर्स्ट रो से ही आपको माइनस करना है, तो क्या करते हैं फर्स्ट रो से भी माइनस कर देते हैं, ऐसे भी आपका आंसर आएगा बट वो जो प्रोसीजर रहेगा आपका लंबा हो जाएगा। देयरफॉर आपको देखना है कि आपको फोर्थ रो को अगर यहाँ से अगर माइनस हो जा रहा है पूरा एलिमेंट तो आपको जीरो बन जा रहा है, तो आप तो जीरो बना दीजिए ना, तो वहां पर जाने की जरूरत आपको नहीं है, ये आपको याद रखना है। तो आर फोर क्या कीजिए, आर फोर प्लस टू टाइम्स आर थ्री, टू टाइम्स आर थ्री, इस थर्ड रो से आपको क्या करना है टू से मल्टीप्लाई करना है, इससे माइनस करना है। तो सबसे पहले देखिए तब एलिमेंट आपको जो मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट क्या मिल जाएगा आपको यहाँ से, मैट्रिक्स ऑफ एलिमेंट तो फर्स्ट रो आपका तो सेम था तो आपको कुछ नहीं करना वन जीरो टू वन, सेकेंड रो, सेकेंड रो भी आपका सेम है जीरो फोर माइनस टू वन, राइट, सेकेंड रो भी सेम है। एंड थर्ड रो में क्या करना है आपको माइनस करना है आर वन से, तो वन माइनस वन क्या हो जाएगा आपका जीरो हो जाएगा, राइट, माइनस वन एंड माइनस जीरो दैट इज माइनस वन हो जाएगा, फोर माइनस टू, फोर माइनस टू कितना हो जाएगा टू हो जाएगा, एंड जीरो माइनस वन दैट इज माइनस वन, ये हो गया आपका थर्ड रो। एंड फोर्थ रो में क्या करना है, फोर्थ रो को थर्ड रो से आपको आर फोर प्लस टू आर थ्री, तो यहाँ पर अगर माइनस टू प्लस टू कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, टू प्लस टू दैट इज जीरो, माइनस एट प्लस फोर टू सा एट, यहाँ पर देखिए आर फोर का एलिमेंट क्या माइनस एट, तो यहाँ पर माइनस एट हो जाएगा, प्लस है टू टाइम्स आर थ्री, तो टू टाइम्स आर थ्री दैट इज टू इंटू फोर, तो क्या हो जाएगा माइनस एट प्लस टू फोर जा एट, तो माइनस एट प्लस एट कितना हो जाएगा जीरो, सेम यहाँ पर जीरो प्लस जीरो, जीरो प्लस टू टाइम्स जीरो दैट इज जीरो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जीरो। ये हो गया आपका एलिमेंट ऑफ रो जो कि आपने रो ट्रांसफॉर्मेशन से आपने ये फाइंड किया। अब नाउ नेक्स्ट काम क्या करना है कि आपको इक्विलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या इक्विलेंट फॉर्म है, नहीं है इक्विलेंट फॉर्म नहीं है। नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए और जीरो कहाँ कहाँ बन जा रहा है, और जीरो किधर बन रहा है क्या, यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो तो सेम रहेगा, सेकेंड रो में आप क्या कर सकते हो फोर माइनस टू वन, थर्ड रो में आप क्या कीजिए टू से
मल्टीप्लाई कीजिए थर्ड रो में, थर्ड रो में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस 2 प्लस 4 एंड दिस इज द माइनस 1। अगर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 से अगर थर्ड रो में 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 4 ये 4 एंड दिस इज द माइनस 4। तो ये एलिमेंट से अगर आप माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 4 टाइम्स आर 3 कीजिए, मतलब कि 4 से अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो जो एलिमेंट आपको मिलेगा, दैट इज 4 टाइम्स करने के बाद जो एलिमेंट क्या मिलेगा, ए एलिमेंट आपको क्या मिल जाएगा, लेट से 1 0 2 1 0 4 माइनस 2 1 0 माइनस 1। यहाँ पर क्या 4 टाइम्स आर 3 कर रहे, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 4 2 4 2 जा 8 दैट इज 8 माइनस 1 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 4 दैट इज माइनस 4 एंड ये तो आपका सेम रहेगा 0 0 0। ये आपने इसलिए किस लिए किया, हम लोग ने यहाँ पर इसको इसके लिए किया क्योंकि अगर आपको देखिए इक्विलोन फॉर्म में लाना है तो इक्विलोन फॉर्म में, अगर इक्विलोन फॉर्म नहीं पूछा होता तो आप चाहते तो यहाँ पर भी स्टॉप कर सकते थे, बट अगर ये इक्विलोन फॉर्म में पूछा गया है तो आपको जीरो कैसा होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर इंक्रीजिंग ऑर्डर में था क्या, नहीं था, जीरो था, एक जीरो था, तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, दो जीरो होना चाहिए, तब जाके ये इक्विलोन फॉर्म में आएगा, दैट इज 1 0 फिर इंक्रीज होते जा रहे हैं, बट यहाँ पर एक जीरो और होगा तब जाके आपको ये इक्विलोन फॉर्म में रहेगा। दो जीरो भी रहेगा यहाँ पर, ए भी जीरो हो जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी ये इक्विलोन फॉर्म में होगा, राइट। तो ये हो गया आपका नाउ। अब ना नेक्स्ट काम क्या करना है आपको, ये एलिमेंट को माइनस, इस एलिमेंट को इसमें से क्या करना है, प्लस करना है। कैसे होगा, दैट इज आपको आर थ्री को इंटरचेंज करना है, किससे, आर थ्री प्लस आर टू से। अगर प्लस करोगे तो माइनस फोर प्लस फोर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहां से जो एलिमेंट आपको मिलेगा वो क्या मिल जाएगा, दैट इज ये आपको मिलेगा समथिंग, दैट इज ए मैट्रिक्स आपको हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए, ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट रोज तो आपका सेम रहेगा 1 0 2 1 0 4 माइनस 2 1। थर्ड रो को आपने चेंज किया किससे, सेकेंड रो से, तो 0 प्लस 0 दैट इज 0 हो जाएगा, माइनस 4 प्लस आर 2 दैट इज प्लस 4 दैट इज 0 प्लस 8 माइनस 2 प्लस 8 माइनस 2 दैट इज 6 माइनस 4 प्लस 1 दैट इज कितना हो जाएगा, माइनस 3। एंड फोर्थ रो आपका सेम है, दैट इज 0 0 0 एंड 0। दिस इज वॉट इक्विलोन फॉर्म, ये क्या आपका इक्विलोन फॉर्म में है। कैसे है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जीरो था, इंक्रीज होते जा रहे हैं, यहाँ पर एक जीरो, यहाँ पर दो जीरो, यहाँ पर फोर जीरो। अगर ये सिक्स की जगह पे जीरो भी होता था फिर भी ये इक्विलोन फॉर्म में होता था। अगर यहाँ पर माइनस थ्री की जगह पे जीरो हो जाता था तो इक्विलोन फॉर्म नहीं होता था, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जीरो था तो यहाँ पर भी ये इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका इक्विलोन फॉर्म इस तरह से, यहाँ पर जीरो था फिर इंक्रीज हुआ फिर ये जाके ऐसा हो रहा है। तो दिस इज अ इक्विलोन फॉर्म। किस लिए यहाँ पर माइनस जीरो किया, आपको समझ में आ गया होगा किस लिए किया, क्योंकि यहाँ पर आपको इक्विलोन फॉर्म में चाहिएगा। इसके लिए आपने यहाँ पर क्या किया, फोर से मल्टीप्लाई किया, सबसे पहले फोर से मल्टीप्लाई करने पर आपको ये मिला, फिर इसके बाद आपने क्या किया, इसको इसमें से प्लस किया, आर थ्री प्लस आर टू, तो आपको ये मिल गया ये रो। तो दिस इज इक्विलोन फॉर्म, देयरफॉर आप यहाँ पर लिख दीजिए, दिस इज एन इक्विलोन फॉर्म, दिस इज एन इक्विलोन फॉर्म, इक्विलोन फॉर्म, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स, आप चाहे तो फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिख सकते हैं, फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। अब नाउ बात क्या करना है आपको, रैंक, अब इसका रैंक फाइंड करना है। तो रैंक कैसे मिलेगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। तो यहां पर देखिए फर्स्ट रो सेकेंड रो थर्ड रो क्या है, नॉन जीरो एलिमेंट है, बट फोर्थ रो में क्या है, जीरो है। तो आपको क्या देखना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट। तो नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कितना है, फर्स्ट रो में नंबर ऑफ नॉन जीरो एक है, सेकेंड रो में दो है एंड थर्ड रो में तीन है। देयरफॉर जो रैंक मिलेगा, दैट इज रो ऑफ ए जो मिलेगा और आर ऑफ ए जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, थ्री। कितना हो गया रैंक, थ्री, क्यों, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1 2 एंड 3, ये क्या है, यहाँ पर जीरो एलिमेंट है, देयरफॉर यहाँ पर इसको इग्नोर किया गया, तो ये क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ एलिमेंट, दैट इज रैंक कितना हो जाएगा, थ्री। तो दिस इज योर लास्ट आंसर, ये हो गया आपका इक्विलोन फॉर्म में कन्वर्जन। तो यहाँ पर लिखना है दिस इज एन इक्विलोन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स एंड इसका रैंक बताना था आपको, तो रैंक को देखने के लिए नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट करके आपको देखना था। तो ये हो गया आपका रैंक, दैट इज 3 आया, राइट। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर आपको रिप्लाई करूंगा। अब ना देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ईजी है आपको, सेम आपको फाइंड करना है आपको और फाइंड करके आपको रैंक बताना है। नाउ सी थर्ड में क्या पूछा गया आपको, थर्ड में आपको पूछा गया रिड्यूस द फॉलोइंग मैट्रिक्स इन इक्विलोन फॉर्म एंड फाइंड इट्स रैंक। थर्ड क्या गिवन है, 1 2 3 माइनस 1
minus 2, minus 1, minus 3, minus 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, minus 1. राइट right? तो ये क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स इक्वेशन फॉर्म में रिड्यूस करना है एंड देन उसका रैंक फाइंड करना है। तो सेम आपको 1, 2 जैसे मैंने सॉल्व किया, थर्ड भी आपका सेम रहेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं सॉल्व करके आपको बताता हूँ कि कैसे होगा इसका सॉल्व, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आप इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा घर पे, और इससे कुछ भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके भी पूछ लेना, तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर थर्ड का लेट। सबसे पहले एज्यूम करना है मैट्रिक्स को ए के फॉर्म में। अब नाउ ए के फॉर्म में जैसे ही आपको मैट्रिक्स एज्यूम हुआ तो इक्वेशन फॉर्म, इक्वेशन फॉर्म जैसे ही आपको लिखना है तो आपको याद रखना है कि इक्वेशन फॉर्म जैसे ही पूछा गया है तो वहां पर आपको ओनली रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, ये बात याद रखना है। तो रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज करने के बाद कहाँ कहाँ कैसे यूज करना है तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो को आपको यूज करना है इस दोनों एलिमेंट को जीरो बनाने के लिए। तो थर्ड रो आपका पहले से ही फर्स्ट, थर्ड रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो है तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको इस दोनों को जीरो करना है। तो इससे कैसे बनेगा, तो आपको क्या करना है, आर टू को इंटरचेंज करना है कि ये जीरो बन जाए। तो आर टू को आर वन से इंटरचेंज करना है तो कैसे जीरो होगा, दैट इज आर टू प्लस टू आर वन। तो क्या हो जाएगा, अगर आप 2 प्लस 2 टाइम्स आर वन करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड रो में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट 1 है तो सेम थर्ड रो को क्या कीजिए, जीरो कीजिए। तो आर थ्री माइनस क्या हो जाएगा, आर वन। तो क्या हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, ये हो गया काम। अब नाउ तो यहां से आपको जो मैट्रिक्स का एलिमेंट मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा, दैट इज देखिए यहां पर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट रोज तो आपने कुछ नहीं किया, दैट इज सेम रहेगा 1, 2, 3 एंड माइनस वन। बट सेकेंड रोज में आपको क्या किया, आर टू प्लस टू आर वन, तो आर टू प्लस टू आर वन क्या हो जाएगा, दैट इज जीरो हो जाएगा, क्योंकि माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिमिलरली यहां पर माइनस वन टाइम्स क्या आर टू है प्लस टू आर वन, तो माइनस वन प्लस फोर दैट इज माइनस वन प्लस फोर दैट इज थ्री हो जाएगा, एंड दिस इज अ माइनस थ्री। यहां पर क्या आर टू में माइनस थ्री है राइट, प्लस टू टाइम्स आर वन, तो आर वन कितना है थ्री है, तो प्लस टू इंटू थ्री, तो थ्री टू जा सिक्स माइनस थ्री दैट इज कितना हो जाएगा, थ्री हो जाएगा राइट। सिमिलरली यहां पर देखिए माइनस वन इंटू माइनस वन प्लस टाइम्स टू इंटू माइनस वन, तो क्या हो जाएगा माइनस वन एंड दिस इज व्हाट माइनस टू, तो क्या हो जाएगा यहां से माइनस थ्री मिल जाएगा राइट। तो ये हो गया आपका एलिमेंट सेकेंड रो। एंड थर्ड रो में क्या हो जाएगा, थर्ड रो में आपने क्या किया, आर थ्री माइनस आर वन, तो आर थ्री माइनस आर वन दैट इज वन माइनस वन जीरो हो जाएगा, जीरो माइनस टू दैट इज माइनस टू, वन माइनस थ्री दैट इज माइनस टू, एंड वन माइनस ऑफ माइनस वन दैट इज प्लस टू, एंड फोर्थ रो, फोर्थ रो में आपने कुछ नहीं किया, देयर फोर यहाँ पर जीरो वन वन माइनस वन, तो यहां पर ये यह हो जाएगा लाइक दिस। अब नाउ नेक्स्ट काम क्या करना है, अब आप तो आपको तो ये मिल गया राइट, ये आपको जीरो मिल गया। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, इस रोज में से इन थर्ड रो, सेकेंड थर्ड फोर्थ रोज को आपको जीरो बनाना है। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो इसे बनाने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, दैट इज देखिए यहां पर थर्ड रो में सबसे लो है, लोज नंबर किसका है, वन 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 टू 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 थ्री थ्री थ्री। तो यहां पर देखिए आप किसका यूज कर सकते हैं, आर टू को जीरो बन जाएगा इसका यूज करने के बाद, ये भी जीरो हो जाएगा इसका यूज करने के बाद। तो कैसे बनेगा, तो इससे आपको लिखना पड़ेगा दैट इज आर टू को इंटरचेंज कीजिए, आर टू किससे, ये जीरो हो जाएगा, ये थ्री है तो यहां पर क्या होना चाहिए, माइनस टाइम्स दैट इज माइनस थ्री टाइम्स आर वन, तो ये क्या हो जाएगा, आर टू जीरो हो जाएगा। सिमिलरली आर थ्री को जीरो करना है, दैट इज आर थ्री को क्या करोगे, आर थ्री, आर थ्री ये एलिमेंट को जीरो करना, किसका यूज करोगे, फर्स्ट एलिमेंट को नहीं यूज करना, किसका, थर्ड रो को, फोर्थ रो को जीरो करना है। थर्ड रो को जीरो करने के लिए आपको फोर्थ रो का यूज करना है, न कि फर्स्ट रो को, क्योंकि फर्स्ट रो में आपको वन टू थ्री माइनस वन है बट यहां पर वन 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 है, तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए एंड यूज करोगे तो जीरो हो जाएगा। तो क्या करना है, यहां पर प्लस करना है, प्लस टू टाइम्स आर वन, टू टाइम्स आर फोर, सॉरी यहाँ पर रहेगा R4, क्योंकि यहाँ पर R4 का आप यूज कर रहे हैं, R4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देयरफॉर R4 यहाँ पर होगा। तो नाउ यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, दैट इज यहाँ से देखिए एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स जो मिलेगा A इज इक्वल टू फर्स्ट रो तो आपने कुछ नहीं किया, दैट इज 1, 2, 3 माइनस वन राइट। सेकेंड रो, सेकेंड रो को आपने यहां से मल्टीप्लाई किया, दैट इज आर टू माइनस थ्री आर वन, तो आर टू दैट इज थ्री माइनस थ्री दैट इज जीरो, फर्स्ट तो जीरो था पहले से, ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा जीरो, माइनस थ्री यहां पर माइनस थ्री है राइट, माइनस टाइम थ्री टाइम्स माइनस वन, आर फोर क्या है माइनस वन है, माइनस वन, तो माइनस थ्री इंटू माइनस वन दैट इज क्या हो जाएगा प्लस थ्री, तो माइनस थ्री प्लस थ्री दैट इज जीरो। आई होप कि आपको समझ में आया ना, ये जीरो है, माइनस टू आर थ्री प्लस टू आर फोर, तो आर थ्री माइनस टू प्लस टू टाइम्स आर फोर, तो आर माइनस टू प्लस टू क्या हो जाएगा जीरो, दिस इज जीरो, दिस इज ऑल्सो जीरो,
यहाँ से जो एलिमेंट मिलेगा दैट इज 0, 1, 1 एंड -1, क्योंकि आर फोर में कुछ नहीं किया गया था, देयर फोर आर फोर सेम हो जाएगा। अब नाउ आपको ये मिल गया, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद देखिए क्या करना है, ये एलिमेंट मिलने के बाद आपको क्या, ये क्या दिख रहा है, इससे क्या पता चल रहा है, क्या ये इक्लन फॉर्म है, तो इक्लन फॉर्म नहीं है। इससे इक्लन फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो रीअरेंज कैसे करोगे, दैट इज यहाँ पर अगर ये आर फोर को इंटरचेंज कीजिए आर टू से, तो ये रीअरेंज हो जाएगा, दैट इज आर टू फोर को इंटरचेंज कीजिए आर फोर टू से, दैट इज आर टू फोर को इंटरचेंज किया आर फोर टू से, तो आपको जो एलिमेंट मिलेगा वो इक्विवेलेंट फॉर्म में मिल जाएगा। दैट इज यहां से जो एलिमेंट मिलेगा, लेट से मैं यहां पर लिखता हूं, दैट इज ए इज इक्वल टू, क्या मिल जाएगा यहां से 1, 2, 3 एंड -1, दैट इज इसको फोर्थ को यहां पर लेकर आइए, तो क्या हो जाएगा, इंटरचेंज किया, क्योंकि आपने क्या किया, फोर्थ को टू से इंटरचेंज किया, तो ये हो जाएगा 0, 1, यहां पर 1 है सॉरी, एंड दिस इज द -1, एंड ये होल एलिमेंट दोनों रोज क्या है 0 है, देयरफॉर 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 एंड 0। तो ये क्या हो गया आपका, क्या ये इक्लन फॉर्म है, तो ऑब्वियसली इक्लन फॉर्म है, क्यों है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ रोज जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे नंबर ऑफ रोज इंक्रीज होते रहा है, हो जा रहा, होते जा रहा है, राइट। तो देयरफॉर यहां पर आप लिख दीजिए दिस इज एन इक्लन फॉर्म, इक्लन फॉर्म। नाउ इक्लन फॉर्म है, इक्लन फॉर्म है तो इसका मैट्रिक्स का रैंक बताना है, तो रैंक कैसे पता चलेगा, तो रैंक बताने के इजी तरीका क्या है, आपको देखना है नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट, तो नंबर ऑफ नॉन जीरो कितना है, देयरफॉर यहां पर लिख दीजिए नंबर ऑफ नॉन जीरो, फर्स्ट नॉन जीरो, सेकंड रो में नॉन जीरो है, थर्ड रो 0, फोर्थ रो भी 0 है, देयरफॉर यहां पर लिख दीजिए नंबर ऑफ नॉन जीरो 0 एलिमेंट, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज, चाहे तो यहां पर रोज लिख दीजिए, रोज इस कितना है आपका 2 है, राइट। इस टोटल फोर्थ रोज में से 2 के आपका नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज है, देयरफॉर रैंक ऑफ ए दैट इज रो ऑफ ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, दिस इज योर लास्ट आंसर। सेम आपको ऐसे ही लिखना है, दैट इज रो ऑफ ए इज इक्वल टू 3। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, दिस इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू इक्विवेलेंट फॉर्म। क्या किया क्वेश्चन में, सबसे पहले देखना क्या, आपको इन दोनों एलिमेंट को 0 किया, क्योंकि ये थर्ड रो पहले से ही 0 था, तो यहां पर इन दोनों को 0 किया, 0 करने के बाद आपको ये मिला। आप क्या करोगे, देखोगे कि सबसे लो नंबर किसका 1, 1, -1, आप चाहे तो इसका भी यूज कर सकते थे, बट इसका यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि अगर इसका यूज करते थे तो ये थोड़ा लेंथी प्रॉब्लम बन जाता है, देयरफॉर यहां पर अगर कोई लो नंबर आपको दिखता है तो देखिए यहां पर मैट्रिक्स में आपको क्या देखना है कि सबसे छोटा नंबर किसका है, क्योंकि अगर आप अगर यहां पर डायरेक्ट 1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3 है, तो डायरेक्ट आपको यहां पर अगर आप मल्टीप्लाई कुछ करके अगर प्लस माइनस कर देते हो तो आपको डायरेक्ट 0 मिल जा रहा है, तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो देयरफॉर यहां पर क्या किया, आर टू को इंटरचेंज किया -3 आर फोर से, एंड आर थ्री को इंटरचेंज किया आर थ्री +2 आर फोर से, तो ये एलिमेंट 0 बन गया। एक बार ये 0 बन गया, क्या किया यहां से आर टू को इंटरचेंज किया आर फोर से, तो फोर्थ रोज कहां से चले जाएगा सेकंड में, एंड सेकंड वाला फोर्थ में, तो क्या हो जाएगा यहां पर 0, 1, -0, 1, 1 है, यहां पर 1 है याद रखना 1, तो 1, 1, -1 एंड दिस इज 0, 0, 0। तो ये क्या है इक्विवेलेंट फॉर्म, क्यों क्यों इक्विवेलेंट फॉर्म है, क्योंकि ये इंक्रीज नंबर ऑफ 0 हो रहा है, एक बार 0 इंक्रीज हो रहा है तो दिस इज एन इक्विवेलेंट फॉर्म, तो देयरफॉर नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट और नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज देखना कितना है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज 1, 2, तो 2 रो है तो 2 यहां पर हो जाएगा, जितना नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज रहेगा उतना ही क्या होगा आपका रैंक होगा, देयरफॉर रो ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2, तो दिस इज योर आंसर। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। आज के लेक्चर में हम लोग ने जैसे बात किया रैंक इन इक्विवेलेंट फॉर्म, तो रैंक इन इक्विवेलेंट फॉर्म में आपने क्या देखा, डेफिनेशन देखा, दैट इज रैंक का डेफिनेशन। रैंक का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट कंटेनिंग इन द नंबर ऑफ रोज, मतलब जितने नंबर ऑफ रोज में नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट रहेगा वो क्या होता है आपका रैंक होता है। उसको डोनेट किस फॉर्म में करते हैं, रो ऑफ ए अदरवाइज आर ऑफ ए। यहाँ पर इन इक्विवेलेंट फॉर्म के क्वेश्चन में आपको ओनली क्या यूज करना है, रो ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल हम लोग ने कुछ देखा था जो कि एग्जाम्पल यहाँ पर लिया, एंड नाउ नेक्स्ट हम लोग ने क्या देखा, क्वेश्चन रिलेटेड टू द इक्विवेलेंट फॉर्म, जहां पर क्वेश्चन हम लोग ने 3 क्वेश्चन लिया जो कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन, जो कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग ने सॉल्व करके देखे, राइट। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय।